शीघ्र ही यह सूचना कंस तक पहुंची। उसने सोचा हो ना हो ये देवकी का ही पुत्र होगा और उसने एक षड्यंत्र रचा। मैं एक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा और अपने बलवान पहलवानों से कहूंगा कि वे कृष्ण एवं बलराम के साथ कुश्ती लड़े और उनका वध करे, पर इससे पहले कि वो मेरे पहलवानों से मिले उन्हें मेरे शक्तिशाली हाथी कुवल्य पीड़ से निपटना होगा जिसमें सहस्त्र हाथियों की शक्ति है। यदि कृष्ण उसके सामने आ गया तो वो उसे किसी चींटी की तरह कुचल देगा। ये सोचते हुए उसने अक्रूर को कृष्ण एवं बलराम को कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार अक्रूर ने बलराम और कृष्ण के घर जाकर कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने का आमंत्रण दिया, जिसे कृष्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और आखिर वो दिन आ ही गया जब कृष्ण मथुरा में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे। कृष्ण, मथुरा में तुम्हारा स्वागत है। ने वहां धनुर्यज्ञ के लिए धनुष रखा था जिसकी रक्षा कई प्रहरी कर रहे थे। ये धनुष सुंदर तो है लेकिन क्या ये उतना ही शक्तिशाली है? कृष्णा, वो देखे बगैर कैसे समझेगा? तो फिर चले। कृष्ण और बलराम रक्षकों का सामना करते हुए उस धनुष तक पहुंचे। जैसे ही कृष्ण ने उस धनुष को उठाया उस धनुष के दो टुकड़े हो गए। मेरा धनुर्यज्ञ के लिए रखा धनुष किसी ने तोड़ दिया? कौन हो सकता है वो? ये बात जब कंस को पता चली तो वो बहुत परेशान हुआ और कंस को उन दोनों से मिलने की इच्छा जागृत हुई। ये दो बालकों का कार्य देखकर कंस की नींद उड़ गई। इस कृष्ण ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है और इसके ही कारण मुझे नींद तक नहीं आती। बस एक दिन और, कल कुश्ती के मैदान में इसका वध कर दूंगा। तुम्हारा अंत निकट है कृष्णा, तुम्हारा अंत निकट है। कृष्ण, मेरे योद्धा तुम्हें कुचलने को तैयार है। शीघ्र आओ कृष्ण, मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हे प्रहरी, हमारी राह से हट जा और हमें प्रवेश करने दो। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ, यदि तुम हमारे मार्ग से नहीं हटते तो तुम्हें और तुम्हारे हाथी को तत्काल ही यमराज से मिलना होगा, समझे? शक्तिशाली हाथी कुवल्य पीड़ ने अपना काम पूरा कर दिया है।
वागे वागे आ गए वो। ओ कंस, मैं तुम्हारे योद्धाओं का सामना करने के लिए तैयार हूँ। कृष्ण, तुम्हें पता नहीं तुम मृत्यु के मुख में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हें और बलराम को मेरे योद्धा चनुर एवं मुस्तकी से कोई नहीं बचा सकता। इन दो युवकों ने बड़े ही आत्मविश्वास से कंस की चुनौती को स्वीकार कर लिया। कुश्ती की शुरुआत हुई। कृष्ण और बलराम कंस के भेजे हुए मुश्तकी और चानुर का सामना करने के लिए मैदान में उतर पड़े। आखिर ये कंस का धैर्य टूट ही गया और उसने अपने रक्षकों को उन्हें मारने का आदेश दिया। सैनिकों, मार डालो इन दोनों को। कंस के आदेश के अनुसार सारे सैनिक उन्हें मारने के लिए दौड़े, लेकिन इन सभी के लिए बलराम अकेले ही समर्थ थे। और वहीं दूसरी तरफ कृष्ण कंस की तरफ दौड़ पड़े। कृष्ण के बल के सामने कंस विवश हो गया और हाथ जोड़कर कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। तब उसे कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। कृष्णा। और इस तरह कंस का अंत हुआ। जिस दिन उसने ये सुना था कि उसका वध देवकी के आठवें पुत्र के हाथों होना निर्धारित है, उसने उनके मित्रों परिजनों पर और पूरी मानव जाति पर ढेरों अत्याचार किए और अंततः इस पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए अवतरित हुए स्वयं भगवान कृष्ण। पर भगवान श्री कृष्ण को कालांतर में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका।